हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा स्टील इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, डबल एंगल सेक्शन यूज्ड एज स्ट्रट इज कनेक्टेड बाय। ऑप्शंस है टैकिंग रिवेट्स, टैकिंग बेल्ट्स, टैकिंग स्क्रू एंड बैटन प्लेट। तो करेक्ट आंसर है इसका टैकिंग रिवेट्स। जो डबल एंगल सेक्शन होता है स्ट्रट की तरह काम में आता है, उसको हम टैकिंग रिवेट्स की सहायता से कनेक्ट करते हैं। The lateral systems used in built-up columns are options है lattising, stitching, tacking and all of the above। तो correct answer है इसका A option। जो lateral system होता है built-up columns में काम में आता है, उसको lattising बोलते हैं। IS 800 1984 has adopted the following formula for computing permissible axial compressive stress in a strut। options है Euler's formula, पेरी रॉबर्टसन फार्मूला, सेकंड फार्मूला एंड मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आईएस कोड 800/1984 के अनुसार परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए जो फार्मूला काम में आता है वो होता है मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला। द बल्किंग लोड इन द स्टील कॉलम इज रिलेटेड टू द लेंथ। जो बकलिंग लोड होता है वो रिलेटेड टू द लेंथ होता है, ठीक है। कैसे? ये जो स्लेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करता है, और स्लेंडरनेस रेशियो किस पर करता है? इफेक्टिव लेंथ पर करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो एल पर वो डिपेंड करता है, लेंथ पर। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बैटनड कॉलम इज यूजुअली इनहेंस्ड बाई 30%, रिड्यूस्ड बाई 30%, इनहेंस्ड बाई 10% एंड रिड्यूस्ड बाई 10%, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनहेंस्ड बाई 10%। जो इफेक्टिव लेंथ है बैटनड कॉलम की, वो 10% बढ़ाई जाती है, और यदि लेसिंग के लिए पूछा जाए तो उसमें 5% बढ़ाई जाती है। The rolled steel I section is most commonly used as a beam because it provides large moment of inertia with less cross sectional area, correct है। Large moment of inertia as compared to other sections, ये भी correct है। Greater lateral stability, ये भी correct है। तो all of the above इसका correct answer हो जाएगा। हमसे पूछा था कि I section हम क्यों use करते हैं, rolled steel I section। अगला question है, the bearing stiffeners are designed as columns assuming the section to consist the pair of stiffeners together with the length of bev on each side of the center line of the stiffeners when available equal to। options hain 10 times the bev thickness, 15 times the bev thickness and 20 times the bev thickness। to correct answer iska c option, 20 times the bev thickness। The slenderness ratio of lacing bars should not exceed, ye important question hai, pucha jata hai। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग बार हम 145 से ज़्यादा नहीं रख सकते, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सीयर बकलिंग ऑफ बेव इन ए प्लेट गर्डर इज प्रिवेंटेड बाई यूजिंग। सीयर बकलिंग ऑफ बेव को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं प्लेट गर्डर में? बाई प्रोवाइडिंग वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर। यदि हम वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करवा देते हैं प्लेट गर्डर में, तो हम सीयर बकलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है।